वेलकम बैक और मेरी आंसर इस वजह से निकली कि मैंने 11 मिनट की शुक्र है ग्यारह मिनट की बनाई थी वीडियो और मेरे से ना गलती से स्टॉप का बटन दब गया और वो मर्ज नहीं होनी मुझे पता है मेरे पास एक मसला आया हुआ है टेक्निकली एनीवे वेलकम बैक व्हाट इज एन एपीआई पी आई बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है और उसकी वजह यह है कि आप जो उनसे प्रोग्रामर है ना और एक ऐसा प्रोग्रामर जिसे ए का नहीं पता तो वो जी पेन मैं पकड़ लू मैंने ये पिक्चर बनाई थी तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो डेजा टाइप की चीज़ है ठीक है तो जी जनाबे वाला ये प्रोग्रामर की मौत है अगर उसे एपीआई का नहीं पता ठीक है यानी जो नया मॉडर्न प्रोग्रामर है उसको वो अगर आपने बनाना है उसको मॉडल करना है उस प्रोग्रामर को तो जनाबे वाला एपीआई के बगैर नहीं बनने वाला सही हो गया अच्छा शुरू करते हैं व्हाट इज़ एन एपीआई मगर उससे पहले आप थोड़ा सा देखें कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं इसको नहीं ट्रेडिशनल नेटवर्क ऑटोमेशन को हमने एक दफ़ा देखा है हमने उसमें एक मॉडलिंग लैंग्वेज वगैरह भी देखी थी ठीक है आज हम हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल देखा लास्ट लेक्चर में और हमने एजाइल की बात की और हमें थोड़ा सा एजाइल का पता भी चल गया कि एजाइल है क्या और क्या कुछ हमारे लिए वो कर सकता है ठीक है और उसके बाद जो सा है हम लोगों ने अब आगे चलने हैं और आगे और जो सा हमारे लिए है व्हाट इज एन एपीआई इंट्रोडक्शन टू एपीआई और हम हल्का सा टच करेंगे विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स क्योंकि हमें एक लिनक्स की दो चार कमांडे शमांडे चलानी पड़ेंगी और उसके बाद हम एच टी हेडर को हल्का सा टच करेंगे मगर डोंट कंसिडर दिस एज अ विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनिक्स का uh, लेक्चर है क्योंकि मेरे ख्याल में एक आइडिया आया कि मुझे इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाना पड़ेगा तो उर्दू आई टी बाइट्स के ऊपर जब भी टाइम मिला तो बनाएंगे क्योंकि आज मैं आजकल मैं दो सीरीज रेगुलर चला रहा हूँ पैरल चला रहा हूं तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है सही हो गया और एच टी को थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये पी आई से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो so, वट वी हैव स्टडीज ऑफ और वी हैव स्टडीड दिस आज हम इसके ऊपर हैं लेने से इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क इंजीनियर मुझे पता है अभी तक नहीं हुआ हुआ वो वी विल सी वट वी कैन डू अबाउट इट क्योंकि मैंने जो थोड़ा सा ना फोकस माइंड के साथ बैठना पड़ेगा मगर मैं मैं चाह रहा था ए पी आई पढ़ा लूँ क्योंकि अगर मैंने एक दफा एप आई पढ़ा दी ना उसके बाद मेरे नज़दीक ये सीरीज जो उनकी सी है बहुत कंप्लीट होगी उसके बाद बाकी चीज़ों का सिर्फ मैं अगर इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा ना तो वो सब चलेगा ठीक है अच्छा वट इज़ एन ए पी आई अब मैंने कहा यार ये ए पी आई जो सा है अगर आप प्रोग्रामिंग एन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं आपको प्रोग्रामर्स के साथ बैठने उठने का मौका मिलता है ना तो आपको ये टर्में या ये स्टेटमेंट या ये लैंग्वेज सुनने को मिलती होगी ओ लेट्स चेक इफ दे हैव एन ए पी आई अवेलेबल ठीक है यार चेक करें उनके पास ए पी आई है ओ दे हैव अ पी आई फॉर दिस वी विल इंटीग्रेट द ए पी आई ठीक है जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात हो तो इंटीग्रेट कर लेंगे चलेगा ठीक है यू नीड टू टेस्ट द एपीआई सिक्योरिटी वाला आ जाता है बीच में हमने एपीआई टेस्ट करनी मुझे अक्सर अक्सर वास्तव पड़ता है कि हाँ जी ये एप्लीकेशन डेवलप तो कर दी है कोड रिव्यू हो गया एपीआई कितनी है, इसके अंदर ये है मुझे एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और कितनी पब्लिकली एक्सपोज एपीआई है ठीक है तो ये सारी लैंग्वेज या ये सारी अगर आपने नहीं भी सुनी हुई तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ये एक प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट के अंदर या एक ऐसी जगह जहां पर आपका प्रोग्रामर से वास्ता पड़ता है इट्स वेरी वेरी कॉमन डे टू डे स्टॉफ ठीक है प्रोग्रामिंग एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है प्रोग्रामर्स लव इट ठीक है और उसकी वजह है लाइफ इजियर अच्छा है क्या What will it allow you to do? आपके पास दो एप्लीकेशन एप्लीकेशन है है ए जो आपकी है और एप्लीकेशन बी जो है एक और बंदे की है ठीक है वो एप्लीकेशन बी आपको क्या करती है आपको बताती है जी आज वेदर कैसा रहेगा सिर्फ एग्जांपल मैं वेदर से स्टिक करू क्योंकि अगली स्लाइड इज ऑल अबाउट इट तो मैंने मेरे पास जो एप्लीकेशन है पकोड़े की रेसिपी पकोड़े बनाने की रेसिपी क्या है क्योंकि मैं इंडो पार्क से अब कॉन्टिनेंट से जोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि जब बारिश होती तो पकोड़े बन रहे होते हैं ठीक है तो वो बताता है जी आज पकोड़े की रेसिपी आज आप ये वाले पकोड़े बनाएं क्योंकि उसके मेरे मुताबिक आज बारिश होनी है ठीक है और और अब आपकी जो ऐप है उसको वरी करने की जरूरत नहीं है कि आज बारिश हो रही है नहीं यही आपने अपनी लोकेशन बतानी है उसने बताना है जी बारिश हो रही है या नहीं अच्छा जी आज आप ये रेसिपी बना लें सजेशंस बेस्ड ऑन द फूड बेस्ड ऑन योर वेदर फोरकास्ट ये एप्लीकेशन आइडिया आ गया जी ठीक है फूड बेस्ड ऑन वेदर फोरकास्ट अब क्या आपको वेदर फोरकास्ट ऐप बनानी पड़ेगी नहीं 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 आप एक कंपनी के पास जाएंगे कंपनी एक्स जो भी आपको एपीआई प्रोवाइड करती होगी ठीक है वही पीछे वाला क्वेश्चन क्या उनके पास एपीआई है हाँ जी एपीआई है हम इंटीग्रेट कर लेंगे सही है और आप जी सिर्फ रेसिपी देंगे आप यूजर को कहेंगे अपनी जगह बताए वो बताएगा सरगोदा और वो बताएगा हाँ जी सरगोदा में आज बारिश होने लगी है और क्योंकि उसे एपीआई से ये इन्फॉर्मेशन मिली है ठीक है इट्स अ वे दैट टू एप्लीकेशन कम्युनिकेट जिससे दो एप्लीकेशन आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं ठीक है एप्लीकेशन so, uh, आपस में कम्युनिकेट करती हैं और उसके बाद आप, आप उस चीज को लेवरेज कर, कर लेते हो ठीक है आप उसे रिक्वेस्ट भेजते हो पोस्ट गेट पुट पैश डिलीट वट एवर हम एच डी पी हेडर्स की बात करेंगे और एपीआई लेट टू प्रोग्राम्स टू टू टॉक अदर सिर्फ एग्जाम्पल आपने बाय करनी है कोई चीज आप एक एप्लीकेशन में गए आपने बाई की जिस तरह आप बाई करके फारिग हुए आपने कार्ड एंटर किया तो वो जो कार्ड वैलिडेशन होती है वो कार्ड वैलिडेशन आप नहीं कर रहे होते या आपकी वेबसाइट नहीं कर रही होती उसने पीछे कहीं से गेट वे से लिया होता है गेट वे कहीं और से ए पी आई कॉल कर रहा होता है और वो वैलिडेट करके दे रहा होता है तो आपको आपको पेरेंटली एज अ सिंपल यूजर लग रहा होता है आप इस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे हो वो एप्लीकेशन अपलीकेशनिकेशन एप्लीकेशन से और वो एप्लीकेशन आप पीछे दो और एप्लीकेशन से एपीआईस पुल कर रही होती है ठीक है ये सारी चीजें पॉसिबल हैं ठीक है और ये यहाँ पर इसकी शायद DB और वेब ऐप चल रही है सही हो गया और डेव्स लव एपीआई व्हाई दे लव एपीआई बिकॉज़ इट मेक्स देयर लाइफ इजीियर ठीक है अच्छा जी आगे चलते हैं कि ये मैंने एक एक वेब एक मोबाइल ऐप देखी ड्राइव वेदर ऐप ठीक है मोस्टली uh, uh, आप लोग जो ऐसे ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ वेदर बिल्कुल क्लियर uh, है या ड्राई रहता है तो आपके लिए मसला नहीं है uh, हम लोगों के लिए होता है अक्सर तो आप ये अब वेबसाइट क्या करिए इसने जी जो जो मैप्स हैं वो गूगल से लिए हुए हैं ठीक है और थ्रू एपीआई लिए हुए हैं और जो दूसरी ये जो वेदर फोरकास्ट है ये किसी वेदर कंपनी से लिए और ये दोनों ए पी को जोड़ के एक आइडिया बना लिया अगर जिस तरह ऊबर है ऊबर के पास आपके ख्याल में

प्रोटोकॉल uh, है सेट ऑफ आर्किटेक्चर है सेट ऑफ स्टाइल है मगर ये सारे का सारा HTTP पे बेस कर रहा होता है क्योंकि जब आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं हम हमेशा ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं आप नेटवर्क इंजीनियर आप समझ जाएंगे तो जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो हम कहते हैं एस टी टीपी एस टी टी एस ए टी एल एस 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 एल सारा कुछ चलता है सही हो गया अच्छा encoding language, अगर आपको 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 याद आपने पढ़ ली है 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 आप आप थोड़ी सी है, तो तो पता है जेसन फॉर्मेटिंग क्या है, और आपको पता क्या और कि Python से आप जेसन फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो अगर यहां पे यहां पे आपके पास नीचे यहां पे नेटवर्क डिवाइस पड़ी हुई है जो कि हमने पहले ये डायग्राम अक्सर दिखाई है मैंने आपको और जि, जितनी दफा आप ये डायग्राम देखेंगे उतनी दफा आपको लगेगा कि आपको एक कंपोनेंट समझ आ रहा है तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पर एस 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 टी एल एस एस टी टीपी टी पी एस सारे का सारा चला डाटा मॉडल को हम थोड़ी देर में टच करेंगे और इनकोडिंग आपको आउटपुट जो दे रहा है वो एस एम एल में दे रहा है या जेसन में दे रहा है या आउटपुट नहीं दे रहा आप, आप अगर उसे को क्यूरी कर रहे हैं और उसके टॉप पे जो से अब आपके पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पड़े हुए हैं ठीक है रेस्ट आपका एक प्रोटोकॉल है नॉर्मली लोग अगर आप हार्डको डेवलपर के पास जाए ना तो वो कहेगा रेस्ट इज एन आर्किटेक्चर स्टाइल ठीक है तो अगर आप एपीआई यूज कर रहे हैं तो आप ए पी आई की ना दो डिफरेंट हाई लेवल डिफ्रेंसीएशन है एक सोप है और एक रेस्टफुल ए पी आई है सोप को आप खुदे लाइन लगा दें ठीक है रेस्टफुल मोस्टली यूज़ होती है क्योंकि ये एच टी टी पी बेस्ड है और आपका इंटरनेट है जो सासपुर का पूरा एच टी टी पे का पे काम करता है तो अब आप देखेंगे कि ये जो रेस्ट ए पी आई है या रेस्ट कॉन्फ है ये दोनों के दोनों ए पी आई बेस्ड कैटेगरी के, के अंदर आ जाती है मगर आप आपको अगर मैं एक बहुत हाई लेवल पिक्चर समझाऊँ तो आप ये समझें कि जी ए पी आई इज़ अ सेट ऑफ डेफिनेशन एंड प्रोटोकॉल और ए पी आई को का एक टाइप ऑफ यूजिंग इज रेस्ट है एक टाइप ऑफ यूजिंग रेस्ट कॉन्फ है और रेस्ट कॉन्फ वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपके पास जो डिवाइस है ना वो बड़ी मॉडल ठीक हो गया और वहां से आपको इनकोडिंग टेक्निक एक्सएमएल और जे एस जैसा ना और ये डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी मोड्स आप समझ लेंगे क्योंकि आप नेटवर्क इंजीनियर है आप समझेंगे इसको और नीचे आ जाते हैं डाटा मॉडल डाटा मॉडल अक्सर ये होता है कि जो अगर मुझे शो इंटरफेस की जो आउटपुट आ रही है वो एग्जैक्टली exactly ऐसी ही आए क्योंकि अगर आपके डाटा मॉडल जो उन है वो सेंटेक्स है ठीक है या सिमेंटिक्स है ठीक है कि ये फॉर्मेट होगा और इस फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिलेगी तो ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूर फाउंडेशन ठीक है बिल्डिंग ब्लॉक क्योंकि अगर आपके फॉर्मेटिंग सीधी नहीं आ रही तो आपके लिए आ, मसला हो जाएगा सही है मुझे जरा एक सेकंड वीडियो पॉज कर लेते हैं मुझे लग रहा है कि मेरे सिस्टम ने ना कोई गड़बड़ की है अच्छा रिज्यूम करते हैं अच्छा रेस्ट ए अब आई अब पता होता है ये क्या है ठीक है रिप्रेजेंटेटिव स्टेट ट्रांसफर ठीक है और इट्स नॉट अ प्रोटोकॉल api को हमने कहा था प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स हैं रेस्ट इज नॉट अ प्रोटोकॉल आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल है और इट यूजेस अगर हम वेब कॉन्टेक्स्ट में बात करें रेस्ट ए पी आई का तो इट यूजीपी HTTP और एस टी टी ठीक है इसलिए हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं एस बेस्ड ए और एस के अंदर ना तकरीबन चार वर्ब मोस्टली यूज होते हैं एक गेट ठीक है गेट अ लोकेशन गेट द वैल्यू ठीक है दूसरी क्रूड स्टाइल के अंदर आप हाँ उसे कह सकते हो कि क्रिएट ठीक है और उसके बाद है आ, गेट के बाद आ जाता है पोस्ट ठीक है पोस्ट क्या करता है क्रिएट करता है गेट क्या करता है रीड करता है मेरे ख्याल में मैंने उल्टा बोल दिया आपको गेट आपको रीड करके देता है आपको इन्फॉर्मेशन मोस्टली उर्दू आई टी अकेडमी खोलते हैं तो बैक एंड पे आपकी गेट की रिक्वेस्ट आ रही है अब हम खोल के देखते हैं उसे पोस्ट क्या करता है क्रिएट करता है कोई चीज पुट क्या कर रहा होता है आपको अपडेट कर रहा है ये, ये, ये रिप्लेस कर रहा है और पैच जोन सा है वो अपडेट और मॉडिफाई करता है ठीक है रिप्लेस नहीं करेगा पैच नॉर्मली कंटेन्स ओनली द चेंजेस ये यहाँ पे मैंने हल्की सी डेफिनेशन लिखी है कंप्लीटली अपडेट रिसोर्सेज ठीक है पूरे के पूरे कंप्लीटली नहीं करता कुछ चेंजेस करता है पुट और पैच नॉर्मली ना थोड़े इंटरचेंजेबिलिटी भी यूज हो रहे होते है। delete, delete. Content delete हैं डिलीट डिलीट कंटेंट डिलीट करते हो आप लोग ठीक है ये आपका चार मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्ब यूज हो रहे होते हैं अच्छा अब होता क्या है जब आपने ए बनानी होती है तो एक बंदा जो सा या एक पार्टी जो रिक्वेस्टर होती है जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आपने एक ऐप बनानी है कि रेसिपीज की और आपको वेदर फोरकास्ट चाहिए आप बताते हो जी मैं इस सिटी में बैठा हुआ और आप जी उसे वेदर के हिसाब से आप उसको सजेशन देते हैं कि क्या ऐप बनानी है तो आप 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 एज अ रिक्वेस्टर हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर है जिसके पास पूरी दुनिया की जो उसकी वेदर फोरकास्ट है उसकी इन्वेस्टमेंट मोस्टली डिफरेंट कॉन्टीनेंट्स के अंदर वेदर स्टेशन पर है या आपने कोई ऐसी ऐप बनानी है जो आपको बताए कि एयर क्वालिटी कैसी है आई वॉन्ट टू क्रिएट एन एपनली एट दैट ठीक है अच्छा अब रिक्वेस्ट क्या आप क्या करेंगे ए पी आई बनाने के लिए आप सेटअप करेंगे ए पी आई ठीक है जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी पूरी की पूरी ए पी आई बनाएगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन देगा तो अब जब आप एज अ प्रोग्रामर आपको मैं कहूँ कि मैं जो उर्दू आई टी अकेडमी में एक ऐसी ऐप बनाना चाहता हूँ तो और इसको तीन ए पी आई चाहिए एक जी दुनिया का मैप चाहिए दूसरा जियो लोके वैदर फोरकास्ट चाहिए एक और कोई करवा लो ठीक है सिर्फ एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन तो उसने यहाँ पर सेटअप करना है अथेंटिकेट कैसे करना है यानी इस रिक्वेस्टर ने इस सर्विस के पास जाकर रिक्वेस्ट करनी है और इसका अगर पेड मॉडल है कि 599 पर मंथ ले रहा है वो मेरे पास से डॉलर ले रहा है तो मैंने अथेंटिकेट करवाना है उसने अदरवाइज कोई भी आके उससे ले लेगा फिर वो पैसे ही ना ले ठीक है और मैसेज एक्सचेंज होगा और टी डाउन हो जाएगा ये नॉर्मल प्रोसेस होता है और ये जो प्रोसेस ऑफ ग्रैबिंग एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन ये ग्रेवि� बेस्ड ऑन एपीआईज़ है आई होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी जिम्मेदारी होती है एपीआई अक्सर आप किसी प्रोग्रामर से या आ, आ, यंग प्रोग्रामर से पूछते हैं क्या कर रहे हो हाँ जी मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा करूँ क्या कर रहे हो वहां पर मैं पाइथन के डेवलपर हूँ किस किस्म की पाइथन की डेवलपमेंट कर रहे हो मैं एपीआई राइट कर रहा हूँ ठीक है तो वो एज अ सर्विस प्रोवाइडर होगा उसके पास कोई चीज होगी और वो सर्विसेज सेल करना चाह रहा है और सर्विसेज सेल करने सब से कर का सबसे इंपॉर्टेंट तरीके का एपीआई सिस्को का ओ ओएस आपको एपीआई देता है दैट्स द रीजन वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट

सही हो गया एक और यूजर क्या है? वो किस चीज से कनेक्ट कर रहा है राउटर से और HTTP टी गेट करता है और उसे जेसन या एक्सएमएल में रिप्लाई आता है और हम फोकस करेंगे जेसन की तरफ क्योंकि हमने पहले लेक्चर क्या किया हुआ जेसन जिसमें हमने पाइथन का स्क्रिप्ट यूज करके जेसन से रीड करके आउटपुट दी थी या जेसन से राइट करवाया था कुछ भी किया था हमने तो ये सारे काम जो हैं ये आपको और जेसन की इस कैटेगरी में आएगी आपकी कोडिंग की आपने ये डायग्राम याद रखनी है ये डायग्राम जो है ना आपका पीछा नहीं छोड़ेगी काफ़ी अर्से तो और जब तक आपको ये डायग्राम याद हो जाएगी इसका मतलब आप नेटवर्क इंजीनियर दैट नोस प्रोग्रामिंग एंड अंडरस्टैंड ऑटोमेशन वाले इंजीनियर बन जाएंगे ये जुमला जरा टेढ़ा हो गया ठीक है अच्छा अब इससे थोड़ा सा हम आगे चलें तो एच टी टी पी बेस्ड ए पी आई करती क्या है जिस तरह मैंने कहा हम इसको खोल के देखेंगे कि रिक्वेस्ट किया एच टी टी पी गेट और मैंने ये वाला यू आर एल था क्योंकि अपेरेंटली जिस बंदे को मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ उसने ए पी आई खोली होगी मेरे लिए और ये उसने ए पी आई खोली हुई है और उसने एक्सेप्ट किया यंग डेटा प्लस जेसन यंग डेटा एक मॉडल है वो याद है डाटा मॉडल की जो सबसे नीचे लेयर थी और जेसन में आउटपुट दे देगा ऑथेंटिकेशन उसने बेसिक रखी हुई है और मुझे जो उस है टू हंड्रेड की आउटपुट आ गई यानी ओके का रिस्पॉन्स आ गया और रिप्लाई आता है और रिप्लाई में मुझे रिप्लाई आ रहा है ये मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है ठीक है ये मेरा रिस्पॉन्स है ये पूरे के पूरी एक चीज है ये पूरी की पूरी एक चीज है ठीक है टू हंड्रेड ओके आया और मुझे रिस्पॉन्स आया के ये होस्ट नेम है क्योंकि मैं अपेरेंटली जब मैं ये यू आर एल देख रहा हूं तो मैं इसे नेट कॉन्फ डेटा सिस्को आई ओ एस एक्सई नेटिव नेटिव होस्ट नेम होस्ट नेम मालूम कर रहा हूं तो यहां से मुझे एपीआई जिसने लिखी होगी या जिसने डेवेलप की होगी ना एपीआई मैं उस एंड की बात करूँगा आप उस एंड पे नहीं बैठे हुए आप उस ए पी आई को सिर्फ लेवरेज कर रहे हो ठीक है यूज़ कर रहे हो इस्तेमाल में ला रहे हो तो आपने सिर्फ ये करना है तो जिस तरह पे देखो मैं एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये दूसरी रिक्वेस्ट है मैं उसे कह रहा हूं इस मशीन का होस्ट नेम भिजवाओ मुझे ठीक है और जो मुझे रिप्लाई में आ रहा है बॉडी सी एस आर के वी वन ठीक है और नो no का रिस्पॉन्स आ रहा है नो no कॉन्टेंट का रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है अच्छा ये मैंने बॉडी में भेजा हुआ ठीक है मैंने उसे बॉडी में रिक्वेस्ट भेजी हुई कि मुझे ये बंदा ढूंढ के बताओ ये बंदा ये बंदा है आपके पास डेटाबेस में वो कहता है मेरे पास बंदा ही नहीं है ठीक है तो आपको रिप्लाई आ रहा है कि बंदा है नहीं ये ये डिवाइस आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती सही हो गया यानी अब आपको अंदाजा हो रहा है ये जो प्रॉब्लम क्यूरी जा रही है ये क्यूरी कहीं आ... बड़ी सी डेटाबेस में जा रही है जिसे सिस्को प्रोबली सिस्को प्राइम के नाम पे सेल करती है या सिस्को डीएनए के नाम पे सेल करती है अभी हम प्रोडक्ट का बैज नहीं लगा रहे इसके ऊपर और वहां पे आपके तमाम डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और आप उस डिवाइस को जाके क्यूरी करते हैं और वो आपको ला के देती है और उसके पास तमाम लिस्टें पड़ी हुई है नॉर्मली डी के साथ आपका वास्ता पड़ेगा ए के साथ ठीक है तो ये आपको पता चल गया अब हो क्या रहा है कि आपने कहा कि मुझे होस्ट नेम लाके के उसने होस्ट नेम लाके दिया आपने बॉडी के अंदर उसको कहा कि मुझे इस चीज़ का होस्ट नेम चेक करके दे तो वो आपको कहता है मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं है क्योंकि ये डिवाइस अवेलेबल नहीं है सही हो गया और ये एच टी बॉडी हेडर और ऑथ इससे आपका बहुत वास्ता पड़ेगा जब आप ए प्रोग्रामिंग में चले जाएंगे सही हो गया अच्छा सॉल ये पता होता है एपीआई क्या एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से मिलेगी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन जनाबे वाला आपको जो है इधर से मिलेगी ये मैंने ये पेज एक्चुअली मिस्टेकनली लोड हो गया था मैंने पहले से लोड करके रखा हुआ था सिस्को नेक्सेस की ये एपीआई है ये एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है आपके पास सारी की सारी सिस्को नेक्सेस के ये वाले प्लेटफॉर्म्स हैं और ये रेस्ट बेस एपीआई कंट्रोल वो करता है और इसमें डिटेल पड़ी हुई है गेट पुट पोस्ट की और अगर आपने कोई पोस्ट करनी है उसकी एग्जांपल्स भी देता है यूजर ने पासवर्ड कैसे पास ऑन करना है अथेंटिकेशन कॉल क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन और आपको बकायदा रिस्पांस भी देता है कि अगर आप इस एपीआई को गेट एच टी टी आई पी एड्रेस ए पी आई मो बला ठीक है ये आपको सब ट्री आपको ला के देगा और आपको डिटेल देगा ठीक है अब आप उस डिटेल को कैसे यूज़ करेंगे दैट इज अप टू यू इसी तरह इसको मैं क्लोज कर दूँ पेन ओ एस ठीक है पालो ऑल्टो के अंदर भी यही है अब बंदा आप मैं चाह रहा हूँ कि आप सिस्को पे फोकस ना करें बाकी पूरी दुनिया पे कि पेन ओ एस रेस्ट ए देता है पेन ओ को रेस्ट ए के जरिए एक्सेस कैसे करना है यानी पालो ऑल्टो को ठीक है ये ये अक्सर जगह ना ये वर्ड यूज आपको मिलेगा सी आर यू डी ठीक है ना यही क्रिएट अपडेट री नेम डिलीट यही जो हमने एच टी टी पी के वर्ब की की बात की थी ठीक है और देख पेन ओ एस एंड पेनोरामा दोनों की बात कर रहा है ये ठीक है अगर आपको पेन का पता है ये लाइक अ बॉक्स दैट अलाउ यू टू तो मैनेज ऑल द पॉलो ऑल्टो डिवाइसेस और पेन ओ एस अगर आपने करनी है उसकी तमाम ये रीजन के ऊपर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं आपको पुल करके ला के देगा पॉलिसीज के बारे में पुल करके ला के देगा जो भी मैथड है और मैथड क्यूरी कैसे करनी है गेट करेंगे तो ये मिलेगा पोस्ट करेंगे पुट करेंगे डिलीट करेंगे सारा कुछ अब सवाल ये पैदा होता है कि आप डिलीट की परमिशन देना चाहते हैं थ्रू एन ए खोलेंगे बड़ी रिस्की सी बात है मगर कंपनीज डू इट ओके okay? तो ये क्यूरी पैरामीटर सारी आपको डिटेल दे रहा है जब आपने डिवाइस की, की जब क्यूरी बनानी है अपने पाइथन के अंदर तो आपने ये डॉक्यूमेंटेशन बड़ी डिटेल में पढ़नी है अच्छा अक्सर ये होता है कि ये जो ए पी की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना ये बहुत उसे क्या कहते हैं हार्ड कोडेडली ब्रिटर्न होती है ठीक है मैनेज एक्सपेक्टेशन मकसद क्या होता है ए पी आई डॉक्यूमेंटेशन के मैनेज एक्सपेक्टेशन के आपकी एक्सपेक्टेशन के आपको पता हो यार ये सॉफ्टवेयर मुझे ये ये कुछ देगा वे टू लुक फॉर अ डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मली वेंडर की वेबसाइट इज मेन प्लेस अच्छा अब पैदा होता है यार हम इसकी टेस्टिंग कैसे करें क्या रोला है आ, आ, मैं कर भी सकता हूं या नहीं तो अब आपको पता है कि एक सिसको ने फ्री बॉक्स रखा हुआ यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट था ये पासवर्ड रिवील करने के लिए मैं मैंने देखा सिस्को की कम्युनिटी में सिस्को की एम्प्लॉय ने रखा हुआ है मैं मेरी टेंशन खत्म होगी ठीक है <laughs> तो उसने जो सा ये ये डिफाइन किया हुआ है और हम जो सा इस, इस बॉक्स को लॉगिन करके थोड़ा सा छेड़छाड़ करके देखेंगे ज्यादा ज्यादा ज़्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे और बल्कि इसमें लॉगिन अभी नहीं होना हमने हमने सिर्फ देखना है कि हम इसको एच टी टी पी क्यू कर सकते हैं या नहीं अच्छा अब इस पर जंप करने से पहले ना हमें चाहिए कि हम एच करें सही है और अगर मैं आपको सिस्क अपने विंडोज़ के कमांड फ्रॉन्ट पे लेके जाऊँ और मैं कहूँ एच टी टी पी उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम तो ये उर्दू आई टी अकेडमी खोले नहीं ये सिस्को में कोई विंडोज में कोई कमांड ही नहीं है आपने अगर विंडोज में कोई कमांड चला के इसको ओपन करके देखना है तो उसका जो बेस्ट तरीके है आपके पास वो है भैया भा, कि आप कर्ल कर लो सीयूआरएल खर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम ये उर्दू आई टी अकेडमी को कल करके देगा अच्छा मगर मसला ये है एस टी नहीं लगाया वो। ठीक है मेरे ख्याल में कल कर दे या ना कर ये कल कर दिया ठीक है एस टी लगा हुआ और ये उसने जो से आपको पेज लोड करके दे दिया मगर मकसद मुझे आपको पेज लोड करके दिखाना नहीं है मैं क्या करना चाह रहा हूं मैं वो सिस्को का जो वो आ, बॉक्स है उसको कर्ल करते हैं, है? और हमें की से पता है और टी टी पी एस स्लैश एस बी एक्स हाइफन एन एक्स ओ एस हाइफन एम जी एम टी डॉट डॉट कॉम स्लैश आई एन एस आई एन एस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से पता चलता है अच्छा नो वैलिड सर्टिफिकेट अच्छा इसका वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है ये ये वजह क्या है क्योंकि आप ब्राउजर में खोलेंगे तो आपको पता चलेगा ओ हो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है और वो आपको वो पॉपअप मैसेज देगा तो उसके लिए ना कर्ल के अंदर ही एक कमांड होती है ये मैंने आ, आज अभी थोड़ी देर पहले इनसिक्योर और हाईफनल ठीक है कि अगर वो सिक्योरिटी डिजिटल सर्टिफिकेट आपका ब्राउजर एक्सेप्ट नहीं भी कर रहा ना फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लो हम इग्नोर नहीं करते जो मैसेज और आपको देखो आउटपुट आ रही है ये आपका HTTP है ये हेडर है रिक्वायर्ड आपको बता रहा है कि आपकी ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड है अच्छा मसला यही यार ये यह रीडेबल ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए एक ही कलर में लिखा हुआ तो मैं इसको कलरफुल आउटपुट चाहता हूँ उसके लिए ना आपके पास दो तरीकेकार है तरीकेकार वन जो सबसे आसान है एस टी टीपी पाइपे जाए और इन अ ब्राउजर में जाए और यहां पे जो सा एंटर करें और इसको कहें भैया HTTP टी टी पी उर्दू आई टी हेलो वर्ल्ड कर ले भाई तू ठीक है HTTP टी IT उर्दू आई टी उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम और ये आपको उर्दू आई टी अकेडमी का रिस्पॉन्स ला के दे देगा अच्छा मैं चाहता हूँ यार ये या थोड़ा रिस्पॉन्स ना कलरफुल आ गया और अगर यहाँ मैं ना हाइफन वी भी लगा दूँ ना हाईफन वी मेरे ख्याल में वर्बोस के लिए यूज होता है हाँ. तो देखो ये मेरी गेट रिक्वेस्ट गई एच की गेट रिक्वेस्ट थी और ये मेरा रिस्पॉन्स है और रिस्पॉन्स आया थ्री ओ वन थ्री ओ वन का मतलब है रीडायरेक्ट हुआ रीडायरेक्ट क्यों हुआ उसकी वजह ये है अगर आप उर्दू आई टी को खोले ना उर्दू आई टी को खोलें

आप ये नहीं करना चाहते ये वेब पेज पे नहीं करना चाहते आप कहते हैं मैं यार में करना चाहता हूं मगर मेरे पास नहीं है ठीक है तो आप क्या करेंगे आपको विंडोज विंडोज सब सिस्टम फॉर ने कुछ अर्सा पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया कि विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनिक्स की आपके विंडोज के अंदर ही एक लिनिक्स की कैपेबिलिटी आ जाए ठीक है तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाए और यहां पे यूबन टू लिखे तो आपके पास यूबन आ जाती है ठीक है यू और ये यूबंटू की ऐप है आपके पास। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हुई है। हाउ टू इंस्टॉल इट, हाउ टू रन इट, ऑल दॉज स्टफ। आई एम नॉट टीचिंग यू टुडे। सही है? मगर ये आपके पास यूबंटू का शेल हुआ हुआ।, हुआ। इंस्टॉल। अगर यहाँ पे मैंने सुडो एपीट-गेट और एचटीटीपी आईए एचटीटीपाई गेट इंस्� एस टी टी पाई एस टी टी पाई इंस्टॉल होगी अब यही काम जो मैं यहाँ मैंने वहाँ पर किया था मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यानी क्या मैं एस टी टी पी करके उर्दू आई टी अकेडमी चला सकता हूँ एस टी टी पी उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम ठीक है यानी ये मेरा लिनिक्स है अगर मैं यहाँ पे एल एस करूँ तो ये मेरे पास लिनिक्स है क्या है वो आ, इसका वो क्या होता है वी आई होता है ठीक है ये आपका वी आई खुल गया तो आप ये Linux का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो इसको क्लोज कर दें क्लोज हो जाएगा ब्राउजर यानी आपके छोटे से कंटेनराइज इन्वायरमेंट है आपकी लिनिक चलनी शुरू हो जाएगी सही हो गया और ये आपको इसी तरह कलर्ड आउटपुट देना शुरू कर देगा ये मुझे उसने जो सा है रिप्लाई दिया है अगर मैं वर्बोस मोड में कर दूं यानी मुझे ज्यादा आउटपुट uh, चाहिए तो मैं हाइफन वी कर देता हूं ये मुझे वर्बोस मोड में आउटपुट देना शुरू कर देता है अच्छा अब सॉल ये पैदा होता है कमिंग बैक टू ओवर स्टफ अ लिटिल बिट अगर आपने स्लैश ई टी सी यानी यहाँ पर इसमें मोर एल एस बी आईफन रिलीज था मेरे ख्याल में स्लैश ई टी सी के अंदर जाके मेरे ख्याल में आता है ये देखो ये यू चल रही है आपके पास ठीक है ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज सिस्टम फॉर लिनिक्स का है आप इसको गूगल करें तो डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन भरी पड़ी है या सिंपल इंस्टॉलेशन में एक एरर आया था तो पावर शेल में कमांड चलानी पड़ती है बारह फोरगेट अबाउट इट हमारे पास अब लिनिक्स का प्रॉम्प्ट आ गया अगर आप अगर आपके पास ऑलरेडी लिनिक्स का वीएम पड़ा हुआ है तो आप उस पर चला लेंगे ठीक है फिर आपको ये काम करना नहीं पड़ता ये एक शॉर्टकट दे दिया मैंने अच्छा अब इसके अंदर आपको पता चल गया कि एस करते हैं तो क्यूरी होता है यूजर एजेंट आपके पास आ रहा है कि कौन सा यूजर एजेंट है अगर आपने यहां पे कनेक्शन किया था यहाँ पे मैंने कनेक्शन किया था आ, ये देखें आपके पास ये यूजर एजेंट आ रहा है एस टी पाई ने बनाया अगर आप ब्राउजर में खोलेंगे तो ब्राउजर आएगा क्रोम में एफ करके भी आप ये काम कर सकते हैं सही हो गया अच्छा अब हम चाहते हैं कि हम देखेंगे यार हमें वो एस वाली जो क्यूरी है उसका क्या बनता है ठीक है एस टी मैंने यहाँ पे ना क्यूरी लिखी हुई थी एक सेकेंड ये सही है मैं क्या कर रहा हूँ एच कर रहा हूँ इज इक्वल टू नो कि भाई अगर डिजिटल सर्टिफिकेट आता है तो मुझे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है और एडमिन एडमिन का पासवर्ड और एच बल्कि एडमिन के पासवर्ड के बगैर पहले करके देखते हैं ठीक है और जिस तरह ही मैं ये एंटर करता हूँ तो ये देखें अनऑथोराइज आउटपुट आ रही है मुझे ठीक है कि मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की उसने कहा ऑथोराइज नहीं हो है अब अगर मैं उसके पास वापस जाता हूँ और मैं उसको अपना यूजर नेम देता हूँ ठीक है यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ तो वो मुझे आउटपुट देगा कि नॉट अलाउड कि ये अपेरेंटली इस यूजर नेम को एक्सेस नहीं है या जो भी सिचुएशन है मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपने जब कॉल्स करनी है ये ये जो एच लेवल की जब कॉल जाती है तो कनेक्शन होता है कनेक्शन लेंथ सिक्योरिटी पॉलिसी ब्लब लबला और उसके बाद आपको वो आउटपुट दे रहा होता है सही है ये सिर्फ मकसद इस चीज का ये बताने का है कि आपको इन चीजों का अंदाजा होना शुरू हो जाए कि यार ये अब हमने ये लैंग्वेज बोलनी क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये लैंग्वेज बोली नहीं थी कि एच टी टी पी हेडर क्या है एच टी टी पी एजेंट क्या है ये सारी क्यूरीज करके देखिएगा ठीक है एच टी टी पी पाई जो सा सिर्फ आपको आउटपुट बेटर कॉन्टेक्स्ट में देती है अगर आपको कहते हो यार नहीं मुझे यही एक्सेप्टेबल है तो आप इसमें करके देख लो कर्ल करके ठीक है कर्ल भी आपका यही काम करके देता है अच्छा उसके बाद ना एक और, एक और टूल एच टी टी पी बिन है जो कि बहुत सारे डेवलपर्स को ना पसंद है लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव हैव इट इट ऑन द स्लाइड अच्छा ये क्या है ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वर्बस एक्शन विद माइनस वी गेट रिक्वेस्ट ठीक है ये जिस तरह उर्दू आई टी अकेडमी पर गेट पर रिक्वेस्ट करने की कोशिश की यूजर एजेंट आपके पास है किस होस्ट को कनेक्ट किया और मुझे वापस में रिप्लाई आया अच्छा रिप्लाई जो उनसे है ना वो पांच किस्म के होते हैं वन एक्स का मतलब है इन्फॉर्मेशनल रिप्लाई टू का मतलब है सक्सेस याद है हमने पीछे टू हंड्रेड का रिप्लाई जो आया था या टू फोर का रिप्लाई आया था कि अननोन है रिप्लाई तेरा ठीक है सक्सेसफुल मैं तुझे रिप्लाई दे रहा हूं मगर मेरे मुझे कोई चीज मिली नहीं है

अब एज अ नेटवर्क इंजीनियर क्या है यार ये मुझे अब नेटवर्क इंजीनियर वाली टोपी पहन के देख लें मगर नेटवर्क इंजीनियर की टोपी से पहले ना एच टी टी पी बिन एच टी टी पी बिन की एक क्यूरी दिखा दूँ आप लोगों को क्विकली अगर मैंने की हुई है अच्छा ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ एच टी टी पी कर रहा हूँ बोस मोड में और पुट का वर्ब यूज कर रहा हूं पुट करो एच टी टीपी बिन डॉट ऑर्ग ये एच टी टीपी बिन डॉट ऑर्ग जो है बनाई हुई है खोल लेते हैं एच टी बिन ये एच टी बिन ये क्या करता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सर्विसेज है लोग जो है ना बड़े एग्रेसिवली टेस्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर आप एच का कोई मेथड लाइक से पोस्ट टेस्ट करना चाह रहे हो तो ये आप पोस्ट टेस्ट कर सकते हो ट्राइट आउट का क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा ठीक है एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट किया और ये कर्ल पोस्ट एच आपने पोस्ट किया और ये उसने आपको आउटपुट दे दी ठीक है टू का कोड टू का कोड याद है आपने अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ देखा था देखा था 200 का कोड ये टू हंड का सही? तो यही जो आप लिनिक्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं मगर ए की की भी दे रहे हैं साथ और हेलो वर्ल्ड का बॉडी uh, भी साथ दे रहे हैं तो हमें ये देखें आउटपुट आ रही है आउटपुट ये आ रही है ये वर्बोस में लगाया था वर्बोस में लगाया था ये मैंने पुट का फंक्शन किया ठीक है ये पुट का वर्क किया है एच और मेरा यूजर एजेंट ये था और होस्ट ये था यानी ये मेरा सर्वर है जिसको मैंने ये क्यूरी किया और ये बॉडी के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड भेजा हुआ और उसकी आउटपुट आई है एच टी और बाकायदा जो इन्फॉर्मेशन है इसकी वजह क्यों क्या है कि ये आपको क्यों दिखाना पड़ रहा है ये एक्चुअली मेरे घर का एड्रेस है आप जाके डॉस मारना शुरू कर दीजिएगा ठीक है मैं रिकॉर्डिंग के बाद कोशिश करूंगा रीसेट हो जाए नॉर्मली लोग जो हैं हाइड दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आई शुड आई शुड हैव हिडन इट अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये अब ये ये इन्फॉर्मेशन हमें क्यों चाहिए ये इन्फॉर्मेशन इसलिए हमें चाहिए क्योंकि जब हमने ए पी आई से क्यूरी करनी है और जब मुझे हमें रिस्पॉन्स आने हैं ना सारे के सारे ये देखिए कॉन्टेंट टाइप जेसन है ये जेसन का रिस्पॉन्स है जेसन में रिस्पांस आया मेरे पास तो ये मुझे यूज़ करने होंगे अब अगर जैसा मेरे रिस्पॉस आया और उसको एक्सेल की शीट पे कैसे सेव करना है या अपने पास कैसे सेव करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ठीक है वी आर नॉट गोइंग ट्राइंग टू रीन वेंट द वील वी वुड यूज़ इट एज एन एपीआई क्या चीज़ है एपीआई सिंपल ये है कि जिस तरह ही आप एस रिक्वेस्ट करते हो आपको रिप्लाई आता है ठीक है तो आपको एंड पॉइंट का पता है एंड पॉइंट क्या है वो आपका सर्वर जिससे आपने वो सर्विसेज बाय की हुई है जिससे एपीआई की क्यूरी करना चाह रहे हैं और आप उससे डिफरेंट किस्म के वर्ब देते हैं और अथेंटिकेशन करवाते हैं ठीक है यहां पर अथेंटिकेशन अपेरेंटली जो सा है वो एपीआई की, की जो सा है वो यू है ठीक है अच्छा आगे चलते हैं अब वी नीड टू पुट अ नेटवर्क इंजीनियर हैट ऑन और नेटवर्क इंजीनियर हेड जब हमने हमने पैन ली तो अब हमने क्या करना है अब हमने ये करना है कि पाइथन का आपके पास स्क्रिप्ट है और आप उससे गेट पुट डिलीट और पोस्ट की क्यूरी करते हैं और किसी नेटवर्क डिवाइस अब नेटवर्क डिवाइस कौन सी हो सकती है आपकी नेटवर्क डिवाइस कोई भी हो सकती है आपके नेटवर्क डिवाइस आपके सिस्को का वो बॉक्स हो सकता है

ठीक है ये तमाम फीचर सेट आपके इस नेक्सेस के बॉक्स पे ऑलरेडी अनेबल है और नेक्सेस आपका ए पी आई बेस्ड मॉडल है ये सारी चीजें जो से आप थ्रू एन ए पी आई लेवरेज कर सकते हैं ठीक है इसका पासवर्ड था ए डी एम आई एन थ्री फोर एक्समेशन साइन ठीक है ये आपका नेक्सेस है शो रन पाइप इनक्लूड एन एक्स ओ एस न मुझे वो वर, वर्ड भूल गया पाइप साइन इंक्लूड या फीचर नेक्सेस एपीआई आपको इनेबल इनेबल करनी पड़ती है आप में जाके फीचर uh, करते हो उसके बगैर आपकी जो नेक्सस का बॉक्स है वो एपीआई को आंसर नहीं करता ठीक है ये आप नेटवर्क इंजीनियर बन गए अब हम लोग ठीक है शो आईपी राउट ठीक है थोड़ी तसल्ली हो जाए आईपी राउट की कमांड नहीं देती काफी दिन हो गए शो आईपी राउट ठीक है ये राउटिंग टेबल है इसका ठीक है शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ भी दे लें तसली होगी थोड़ा नेटवर्क इंजीनियर जान गया ठीक है शो सी डी पी नेबर भी चलाता है ये ठीक है और कोई कमांड नहीं है हमारे पास ठीक है तो बाय बाय कर देते हैं अब इस बॉक्स को ये आपका बॉक्स है तो अब एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपने आपका आपका मॉडर्न नेटवर्क इंजीनियर आपका काम किया है कि आप जो से हैं पाइथन का स्क्रिप्ट यूज करते हुए एपीआई की कॉल करें टू नेटवर्क डिवाइस जो आपको रिस्पोंड करेगा ठीक है है अब क्या हो सकता है कि अगर आपके राउटिंग टेबल के अंदर कोई चेंज आती है ठीक है तो आप उसे क्यूरी करके पूछ सकते हो हर दफा क्यूरी करके पूछ सकते हो ठीक है ये बीजेपी गेटवे चेंज होता है क्यूरी करके पूछ सकते हो और अपडेट इन द ईमेल में ला सकते हो ठीक है ये सारे काम आप कर सकते हो अब सवाल ये पैदा होता है यार अगर मैंने कॉन्टीन्यूसली मुझे चेक करना है कि अपडेट हुई है या नहीं तो आप आप क्या करोगे बार 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 हर एक एक मिनट के बाद ए पी आई क्यूरी करते जाओगे ए पी आई कॉल करते जाओगे क्यूरी कह रहा हूँ को बहुत सारे नेटवर्क प्रोग्रामर uh, जो ना मेरे से नाराज होंगे ये सीरीज देखने के बाद जो मैं इंटरचेंजेबली उनसे भी ज्यादा बुरे हालात में हूँ ठीक है और पीरियोडिक चेक आप करते हो ठीक है मगर इस ये बेटर सोल्यूशन आप, आपको बार बार चेक करना पड़े हर एक एक मिनट के बाद आप चेक कर रहे हो आप एम ए बॉक्स पे भी मैनेजमेंट प्लेन के ऊपर भी लोड डाल रहे हो तो उसका बेस्ट तरीके कार ये है कि आप वेब हुक डिफाइन कर दो पब्लिश एंड सब्सक्राइबर लेवल मगर नोटिफिकेशन एफ सब्सक्राइबर के यहाँ पे बीच में एक वेब हुक होगी और ये जो सा है पब्लिशर बन जाएगा और आप एज अ सब्सक्राइबर हो गए और आपको एपीआई अपडेट आ जाएगी ऐसा नो चेंज होगा मगर वी आर टॉकिंग अबाउट वेब हुक्स विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन क्योंकि मैंने यहाँ पे इमेज डाला दिस आई एम गोइंग ऑन अ टेंजेंट राइट नाउ हेयर ठीक है Uh, ये टेंजेंट में हूँ यानी ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस ये एपीआई का ताल्लुक नहीं है इस वेब हुक्स जो कि थ्रू द एपीआई यूज हो सकती हैं बरअल वी आर नॉट गोइंग इन देयर ठीक है अक्सर जो कंपनीज कंपनीजी हैं वेब हुक डिफाइन करती हैं ताकि हमें बार 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 ए पी आई क्यूरी ना करने पड़े जब कोई अपडेट हो तो मेरे पास आ जाए एक बंदा उसमें पब्लिशर बन जाता है दूसरा बंदा सब्सक्राइबर बन बन जाता है इस सिमिलर लाइक आर एस एस फीड्स का ठीक है वो जो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे रजिस्टर कर ले तब आपको फीड आ रही होती है ठीक हो गया मगर अब आई होप एज अ नेटवर्क इंजीनियर जब आपने हैट पहनी है तो आपको समझ आने शुरू होगी कि ये पाइथन के स्क्रिप्ट के जरिए हम एपीआई यूज करेंगे और एपीआई के जरिए हम गेट पुट डिलीट पुश भी है यहाँ पे वो तमाम वर्ब्स को यूज करते हुए डिफरेंट किस्म के फंक्शन करेंगे और आज हमने जो है गेट का फंक्शन करके देखा और हमने पुट का भी एक फंक्शन करके देखा मगर ये चीजें जो सी हैं हमें हर वक्त करने नहीं देगी डिवाइस जब तक हम ऑथेंटिकेट नहीं होंगे दैट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ डूइंग एन ए ठीक है तो सिस्को ने आपके लिए ए खोली हुई है पोलो ऑल्टो ने एपीआई खोली हुई है आप लोग यूज नहीं कर रहे इसका यह मतलब नहीं है कि डिवाइसिस कैपेबल नहीं है तमाम डिवाइसिस कैपेबल है आप उसको यूज नहीं कर रहे ठीक है और आप क्यों नहीं यूज कर रहे क्योंकि आपको पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स आती नहीं है आपने उर्दू आई टी अकेडमी पर जाकर पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर पढ़ी नहीं है तो जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप फुल टोस्ट मॉडर्न किस्म के नेटवर्क इंजीनियर बन जाएंगे समझ आ गई तो ये जो आज का लेक्चर था मेरे ख्याल में लेक्चर आज हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया मगर आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई होगी ये पिछली वीडियो खुल गई आपको समझ आ गई होगी कि आ, हम लोग जो से हैं अब मॉडर्न नेटवर्क इंजीनियर बन गए और हम ए को यूज क्यों कर रहे हैं और कंपनीज ए अपनी पब्लिश क्यों करती हैं और उसको अगर आपने देखना हो कि एपीआई में मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये सारा कुछ है प्लीज 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 लीव मी या फीडबैक अगर आपको इस बात की समझ आई है या नहीं अगर नहीं समझ आई क्योंकि ये मैं पहली दफा पहिया याद कर रहा हूँ और अगर ये पहिया याद हो गया तो मैं दोबारा नहीं ये याद करूंगा तो इसीलिए आई वुड अप्रिशिएट योर फीडबैक ओके खुश रहें दुआओं में याद रखिएगा फिर मुलाकात होगी